दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू का नाम बदलकर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया है। नाम में हुआ ये बड़ा बदलाव उस वक्त किया गया जब पूरे देश में भारत वर्सेस इंडिया की बहस हो रही है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू के नाम बदलकर रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया है। बदलाव देश का नाम इंडिया से भारत रखने की चर्चा के बीच किया गया है। इसके पहले अमिताभ बच्चन भी सोशल मीडिया पर भारत माता की जय लिखकर अपनी राय दे चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म का पहला मोशन पोस्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। टीजर में आप उन्हें माइनिंग इंजीनियर यशवंत सिंह गिल के अवतार में देख सकते हैं। ये फिल्म यशवंत और उनकी बहादुरी की कहानी पर आधारित है। 1989 में यशवंत ने जमीन से 350 फीट ऊंचे फंसे 65 माइनर्स को बचाया था। ये घटना बिहार के रानीगंज में हुई थी। मिशन रानीगंज के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस फिल्म का नाम द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखा गया था, लेकिन अब नए वीडियो के साथ अक्षय कुमार ने फिल्म के नए नाम मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू का ऐलान कर दिया है। फिल्म का जो पहला टीजर गुरुवार 7 सितम्बर को रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि अक्षय कुमार की इस फिल्म का नाम बदला गया हो। पिछले साल इस फिल्म का ऐलान किया गया था, तब कैप्सूल गिल रखा गया था। इसके बाद ये द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू और अब मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू हो गई है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया गया है। अक्षय कुमार की ये फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू में अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस रीति चोपड़ा भी नजर आएंगी। इसके पहले दोनों की जोड़ी को फिल्म ने केसरी में देखा गया था। 2019 में आई इस फिल्म ने अक्षय कुमार ने सिख क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी। अक्षय कुमार की नई फिल्म का निर्देशन टीनू सुरेश देसाई कर रहे हैं। यह पूजा इंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर बैनर तले बनाया जा रहा है। तो कुछ दिनों में चर्चा हो रही है कि ये देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किया जाने वाला है। इसी खबर के आने वाले बाद बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था कि बिग बी ने एक ट्वीट में भारत माता की जय लिखा था। दूसरी तरफ देश के नाम बदलने की खबर पर एक्टर जैकी श्रॉफ ने कहा था कि ये खराब बात है। कि जैकी ने कहा, भारत बोलना कोई बुरी बात नहीं है, देश का नाम बदलेगा, हम थोड़ी बदलेंगे। दोस्तों फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।